हेलो लर्नर्स मैथ्स ट्यूब लर्निंग में आपका स्वागत है आज का हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे हमें तीन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और ए और बी का वैल्यूज़ बताया गया है और हमें इन एक्सप्रेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं जो हमारा पहला एक्सप्रेशन दिया गया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इसके लिए हम आंसर ऐसे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल टू टू जो हमें वैल्यू दिया गया था ए का एंड बी इक्वल टू थ्री जो बी का वैल्यू था इन द अब एक्सप्रेशन यानी कि ये वी गेट तो हमें जो दिया गया था वो था ए प्लस बी अब हमने क्या किया ए के जगह हम टू पुट करेंगे और बी के जगह थ्री पुट करेंगे तो हमें मिला टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव दे फोर ए प्लस बी इक्वल टू फाइव एंड था ए बी माइनस ए स्क्वायर तो हमने अपना स्टेटमेंट पहले जैसे फिर से वैसे ही लिखा है सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू थ्री इन द अबव एक्सप्रेशन वी गेट ए बी माइनस ए स्क्वा टू ए के जगह हम टू पुट करेंगे ए बी का मतलब है मल्टीप्लाई टू इन टू थ्री बी के जगह हम थ्री पुट किए माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब है ए का वैल्यू हम दो बार लिखेंगे यानी कि टू स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू थ्री इज सिक्स टू स्क्वायर का मतलब है टू इंटू टू इसका मतलब है फोर सो सिक्स माइनस फोर इज टू विच इज आवर आंसर हमारा थर्ड एक्सप्रेशन था ए क्यूब प्लस बी square. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ए सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू थ्री इन द अब एक्सप्रेशन वी गेट हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी square एक के जगह हम पुट करेंगे टू टू क्यूब प्लस बी स्क्वायर का मतलब है थ्री स्क्वायर टू क्यूब का मतलब है टू इंटू टू इंटू टू यानी कि एट तो टू क्यूब के जगह हम पुट करेंगे एट प्लस थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर का मतलब है थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन तो थ्री स्क्वायर की जगह पुट करेंगे नाइन तो एट प्लस नाइन इक्वल टू सेवनटीन और यही इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है सेवनटीन हमारा आंसर अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल मैथ्स ट्यूब लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय